हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं उड़द दाल के वड़े, क्योंकि विंटर्स का सीजन चल रहा है तो गर्मा गर्म वड़े बहुत अच्छे लगते हैं। तो चलिए बनाते हैं उड़द दाल के वड़े। खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं और बनाने में भी बहुत आसान होते हैं, वैसे सभी को आते हैं बनाने। तो चलिए तैयारी कर लेते हैं वड़े बनाने की। तो यहाँ पर मैंने हरे धनिए को धो लिया है अच्छे से, 3-4 बार आप अच्छे से धो लें इसे, क्योंकि इसमें बहुत मिट्टी होती है। इसके बाद इसे छोटा छोटा कट कर लें और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्ची भी कट करूँगी। तो मैंने यहाँ पे एक बड़े साइज की हरी मिर्ची भी ले ली है। तो धनिया मैंने कट कर लिया है और अब हरी मिर्ची को भी हम कट कर लेंगे छोटे छोटे पीसेस में। और हरी मिर्ची को भी अच्छे से मैंने धो लिया है साफ पानी से। तो यहाँ पर हरी मिर्ची भी मैं कट कर रही हूँ, छोटा छोटा हरी मिर्ची कट करना है हमें। और वीडियो को थोड़ा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर रखा है फ्रेंड्स, तो आप धीरे धीरे ही कट करें क्योंकि चाकू से फिर हाथ कटने का डर रहता है। और हरी मिर्ची कट करने के बाद हाथों को भी अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि फिर जलन लग जाती है हाथों में और फिर हमारा ध्यान नहीं हो तो फेस में भी अगर हम लगा लेते हैं तो जलन लग जाती है। तो हरी मिर्ची कट करने के बाद हाथ ज़रूर अच्छे से धो लें। यहाँ पर मैं उड़द दाल को भिगो रही हूँ। तो लगभग ये आधा केजी दाल है, तो मैंने लगभग आधा केजी से थोड़ी सी कम दाल ली है, क्योंकि 4 जनों के लिए हम यहाँ पर बना रहे हैं। तो उस हिसाब से मैंने आधा केजी से थोड़ी कम दाल ली है, एक मुट्ठी कम ली है आधा किलो से। और इसे अच्छे से एक बार धो लेंगे साफ़ पानी से, क्योंकि दाल में भी धूल मिट्टी होती है। तो इसे एक बार अच्छे से साफ़ पानी से धो लेंगे, उसके बाद इसे पानी में भिगोएंगे। तो यहाँ पर मैंने दाल को धो लिया है और अब मैं इसे भिगोऊंगी अच्छे से। पानी से भिगो देंगे हम इसे, क्योंकि फिर ये फूल जाती है। तो लगभग 2 से 3 गिलास पानी इसमें डाल करके रख देना है और इसे ढक देना है। धनिया और हरी मिर्ची को भी मैंने कट कर लिया और ढक दिया है। 3 घंटे बाद फ्रेंड्स हम इसे मिक्सर में इसका पेस्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर 3 घंटे बाद आप देख सकते हैं दाल फूल चुकी है और इसका सारा जो पानी है वो भी इसने सोख लिया है। तो ये आप देख सकते हैं पानी सारा इसका सोख लिया है दाल ने। और अब हम इसका अच्छा सा पेस्ट बना लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मिक्सर में इसका पेस्ट तैयार कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरीके का हमें गाढ़ा सा ही पेस्ट बना के रखना है, घोल रखना है, क्योंकि ज़्यादा पतले घोल से फिर वड़े फिर क्या है बनते नहीं है ढंग के, शेप नहीं आती उनकी। तो ये देखिए, ये हमारी दाल तैयार है, पिस चुकी है ये। अब इसमें हम सारे मसाले ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक लाल मिर्ची पाउडर ऐड कर लें। जितना तीखा खाते हैं और जितना नमक खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप लाल मिर्ची पाउडर और नमक को ऐड कर लें। और हरी मिर्ची और हरा धनिया कटा हुआ मैंने ऐड कर लिया है। थोड़ा सा मैंने हरा धनिया बचा के भी रखा है, क्योंकि वो बाद में मैं ऐड करूँगी। और मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरीके से मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसमें हींग ऐड कर देंगे। हींग में यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हम लोग प्याज लहसुन नहीं खाते हैं। अगर आप प्याज लहसुन खाते हैं तो प्याज और लहसुन भी ऐड कर सकते हैं इसमें। और यहाँ पर मैंने हींग को भी ऐड करके अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब इसमें मैं अदरक को कस करके डालूंगी। अदरक ज़रूर डालें, अदरक से काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है और अदरक के बिना तो बिल्कुल अच्छे भी नहीं लगते हैं। तो अदरक ज़रूर डालें इसमें। और खड़ा धनिया भी आप डाल सकते हैं। मेरे पास खड़ा धनिया अवेलेबल नहीं था तो मैंने खड़ा धनिया नहीं डाला है, यानी कि बिना पिसा हुआ जो धनिया होता है ना वो भी आप इसमें ऐड करें, बहुत अच्छा लगता है। तो ये अदरक भी मैंने इसमें कस के डाल दिया है। इसे भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब यहाँ पर फ्रेंड्स मैं जो बचा हुआ हरा धनिया और हरी मिर्ची मैंने बचा के रखी थी वो भी इसमें ऐड कर दूंगी, क्योंकि अब इसको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है सारी चीजों को, और उसके बाद हम बस बड़े बनाएंगे। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार हम मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारी जो दाल है वो तैयार है बड़े बनाने के लिए, उड़द दाल के बड़े।
तो साथ ही में मैं बस ऑयल चढ़ा दूँगी गैस पर गर्म होने के लिए। तो यहाँ पर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस ऑन करके और यहाँ पे ऑयल डाल दिया है मैंने। आप जो भी ऑयल इस्तेमाल करें वो यूज़ कर लें। मैंने यहाँ पर महाकोश ऑयल यूज़ किया है। तेल यहाँ पर हमारा गर्म हो चुका है अच्छे से, मैंने चेक भी कर लिया है तेल। और अब हम बस बड़े बनाएंगे, थोड़े से चपटे बड़े बनाएंगे, जिससे क्या होगा कि ये फूल भी जाते हैं तेल में जाने के बाद, तो ये अंदर से कच्चे नहीं रहेंगे। और हमें इन्हें पहले मैंने तेज आंच पर तेल को गर्म किया, उसके बाद मैंने मीडियम फ्लेम पर रख रखा है ताकि बड़े अच्छे से सिक जाएँ अंदर तक, नहीं तो अंदर से दाल क्या होती है कच्ची रह जाती है। जिस भी शेप के आप बनाना चाहें बना सकते हैं, आप बीच में छेद करके भी इन्हें बना सकते हैं, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी, मेदू बड़ा टाइप का वो हो जाता है, काफ़ी अच्छे लगते हैं वो भी। तो इन्हें उलट पुलट करके हमें सेकते जाना है गोल्डन ब्राउन होने तक, और ये काफ़ी टाइम लेते हैं सेकने में क्योंकि हमें अंदर तक सेकने होते हैं ताकि इनमें कच्चापन ना रहे। तो ये मैंने इनका साइड भी चेंज कर दिया है और अब आप देख सकते हैं इन्होंने इनका जो है कलर भी चेंज हो गया है। तो ये देखिए कलर भी इनका चेंज हो रहा है। और मीडियम फ्लेम पे आप इन्हें बनाएं जिससे कि ये आराम से अच्छे से अंदर तक पक जाएं। तो ये देखिए अभी अच्छे से सिक चुके हैं, गोल्डन ब्राउन कलर के हो चुके हैं। तो अब मैं इन्हें प्लेट में निकाल लूँगी, काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं फ्रेंड्स, और सर्दियों में तो बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मतलब चाय के साथ आप खाएं, हरी चटनी के साथ आप खाएं, दोपहर में बना लें, शाम को 4 या 5 बजे बना लें, इवनिंग टी के साथ इंजॉय करें, बहुत अच्छे लगते हैं। और राजस्थान में तो काफ़ी बनते हैं, अभी पोश बड़े बनेंगे, ये तो मैंने उड़द दाल के बनाए हैं, मोट दाल के बड़े भी बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत टेस्टी लगते हैं। तो ये देखिए मैंने प्लेट में निकाल लिए हैं और इनके ऊपर काला नमक डालकर खाएं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगते हैं। अभी मैं काला नमक भी ऊपर से डालूंगी, हल्का हल्का इनका स्वाद दोगुना हो जाता है काला नमक डालकर खाने से। तो ये देखिए कितने टेस्टी क्रंची बने हैं, कुरकुरे से बने हैं, बहुत अच्छे बने हैं। और यहाँ पर अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा काला नमक और बस हरी चटनी के साथ हम इन्हें एंजॉय करेंगे। सो फ्रेंड्स, रेसिपी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलती हूँ फिर से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।